वहीं भोपाल में नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह खुराई घटना को लेकर कहा है कि वो धरने पर नहीं, कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि खुराई विधानसभा में जो विकास काम हो रहे हैं उन्हें देखकर कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। बता दें कि पिछले दिनों नगर पालिका के द्वारा खुराई में बच्चों के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, उसे कुछ लोगों ने तोड़ दिया। इसे लेकर नगर पालिका के द्वारा थाने में नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन पिछले दो दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस मामले में बीजेपी कार्यकर्ता एनडीएम को ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन एसडीएम कार्यालय के पास पहले से ही मौजूद असामाजिक तत्वों की तरफ से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, जिसमें 150 से ज्यादा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए। इस मामले में भी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि मैं उस वक्त सागर में था, जैसे ही घटना की जानकारी मिली मैं कार्यकर्ताओं से मिलने यहां पहुंचा हूं। इस पूरी घटना की जानकारी तत्काल हमने मुख्यमंत्री जी को दे दी है। मुख्यमंत्री जी ने इस घटना को लेकर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिन गुंडों ने कार्यकर्ताओं पर हमला किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल है उनकी तरफ से हमलावरों पर एफआईआर की मांग की जा रही है। पहली चीज तो ये है कि मैं धरने पर नहीं बैठा हूँ, मैं कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूँ। यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा खुरई के विकास में काम हो रहे हैं या पूरे खुरई विधानसभा में जो विकास के काम हो रहे हैं, उन विकास के कामों से खुरई के कुछ लोगों को बहुत तकलीफ है। और पिछले दिनों नगर पालिका के द्वारा बच्चों के लिए सेल्फी पॉइंट बनवाया गया था, वो सेल्फी पॉइंट तोड़ दिया गया, जिसकी रिपोर्ट नगर पालिका के द्वारा थाने में कराई गई, नामजद रिपोर्ट है, पर दो दिन से आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी।